अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, कैसे है मेरे प्यारे सी यूट्यूब फैमिली। और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है, टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा, मैं अपना किचन टूर करा रही हूँ। तो ये हमारा ओपन किचन है, कोई गेट या कोई स्लाइडिंग हमने यूज़ नहीं करी है, ओपन किचन जैसे कि आजकल चल रहे हैं तो वही हमने बनाया है। और ये रूम एंड किचन के कॉर्नर पे जो थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, तो यहाँ पर हमने पेंट्री ऑर्गेनाइज की है। चलिए जी शुरुआत करते हैं। तो ये हमारी पेंट्री है और पूरा मेरा जो किचन है वो मॉड्यूलर है, हमने घर में ही बनवाया है, बाहर से कुछ बस इनकी फिटिंग हमने बाहर से लाए हैं, वरना ये पूरा जो है हमने घर में ही बनवाया है। हमारे जो देवर हैं ये सब उन्होंने ही काम किया है सारा। और ये मेरा जो पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें मैंने जितना भी है कांच के जो ग्लास हैं, ग्लास के जार मैंने सारे यूज़ किए हुए हैं, कोई प्लास्टिक का नहीं है, बस थोड़े से ही मतलब दो तीन हैं वही मैंने प्लास्टिक के यूज़ करे हैं, अदरवाइज़ जितना भी मेरा जार से ही सारे ग्लास जार हैं। मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा कि मैं प्लास्टिक यूज़ ना करूँ। तो ये सबसे वाला जो ऊपर वाला सेल्फ है उस पर मैंने एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं। इधर भी मेरे कुछ स्पाइसेस हैं, उसके पीछे खाली जो एम्प्टी ग्लास जार्स रखे हुए हैं, खाली ग्लास हैं जार्स हैं वो। और नीचे वाली साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर भी सारे स्पाइसेस हैं और पीछे जो ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं वो। और यहाँ पर जितने भी हैं ये ग्लास जार्स रखे हुए हैं, मैंने एक मसाला बॉक्स अलग से बनाया हुआ है, तो मैं मसाले सारे थोड़े थोड़े उसमें रखती हूँ, बाकी सारे इसी में ही मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और क्योंकि बार बार लेने इधर से आने लाने में दिक्कत होती है, और फिर बार बार इन बॉक्सेस को खोलना, तो इनको हवा लगनी होती है, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े से स्पाइसेस मैं अलग बॉक्स में रखती हूँ, जो मेरे किचन काउंटर टॉप के पास ही रखे रहते हैं। और बाकी बस ये कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह हैं, जैसे कि आप सबको अभी पता है लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखनी पड़ रही है। और बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, ये दालें वगैरह हैं, सारी दाल चने और राजमा वगैरह, क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं। तो और से नीचे जो है मेरे मसाले रखे हुए हैं, हल्दी धनिया मिर्च। और फिर इधर की साइड में आ जाते हैं, और ये मेरी नीचे वाली रैक्स हैं, और इधर मेरा जो सिंक है, सिंक वाला एरिया है, और इधर मैंने एक जाली लगाई हुई है ऊपर की साइड में, जिसमें मैं ब्रश वगैरह रखती हूँ, क्योंकि बर्तन के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें ब्रश से धोने होते हैं। और बस ये एक ये बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं बर्तन धोकर इसी में रखती हूँ। सामने जो है ये ऑर्गेनाइज़र है, कटलरी ऑर्गेनाइज़र, तो वहीं पर ये मैं रखती हूँ। और आपको वो बॉक्सेस साइड में दिख रहे हैं, तो ये मेरे जो ग्लास जार्स हैं इसमें मैं एक्स्ट्रा मसाले रखती हूँ, जो मुझे काउंटर टॉप के पास हमेशा चाहिए, और मैं इन्हीं को बार बार यूज़ करती हूँ। और ये मैं काउंटर टॉप जो है हमेशा कोशिश करती हूँ कि खाली रखूँ, यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा सामान भर के नहीं रखती हूँ। और बस ये एक बास्केट रखी हुई है, इसमें मैंने घी और तेल जो रखा हुआ है, ये खाने में यूज़ होता है, घी जो है हम खाने के ऊपर डाल के खाते हैं, और इधर वाला जो ऑयल है ये हम खाना पकाने के टाइम में यूज़ करते हैं। इधर मेरा ओवन और माइक्रोवेव दोनों रखे हुए हैं, और इधर का साइड भी मैंने जो है खाली रखी हुई है बाकी पूरी। और ये ऊपर वाली शेल्फ है, और इधर भी मैंने देखो काउंटर टॉप बिल्कुल खाली करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है काउंटर टॉप भर कर रखना। और ये मेरा कुक टॉप है, अभी मैंने दूध उबाला था तो वही रखा हुआ है। और इधर भी जो है मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल खाली है, मुझे बिल्कुल खाली काउंटर टॉप पसंद है, क्योंकि खाना जब बनाते हैं तो खाली ही काउंटर टॉप चाहिए। इधर मैंने एक बास्केट लगाई हुई है, मैंने अमेज़ॉन से ली थी, इसमें मैंने जितने भी टिश्यू पेपर और फॉइल पेपर वगैरह होते हैं वो मैं रखती हूँ। और यहाँ पर एक मैंने बास्केट जो है रखी हुई है, उसमें मैंने एक छोटा सा प्लांटर रखा हुआ है,
और इधर मेरी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन। नीचे मैं रोटी के रुमाल वगैरह रखती हूँ, जो रोटी वगैरह रखने के लिए। इधर साइड में मेरा फ्रिज आ चुका है, तो मैंने आपको अपना जो तीनों साइड दिखा दिए हैं। अभी मैं आपको ऊपर वाला साइड दिखाती हूँ, जो फ्रिज के ऊपर है। वो मैंने पहले से ही खोल कर रखा हुआ था, क्योंकि वो मुझे स्टूल के ऊपर चढ़कर खोलना होता है। और इसमें मैंने जितने भी मेरे मेहमानों वगैरह के या कभी कभी यूज़ होने वाले बर्तन होते हैं, तो वही मैं रखती हूँ, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके बर्तन मैंने अलग ही रखे हुए हैं। और ये मैं जब भी उतारती हूँ, या तो फिर किसी त्यौहार वगैरह पर, या फिर जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तब मैं उतारती हूँ। तो ये वाले इधर वाली शेल्फ देख लेते हैं, जो सिंक के ऊपर है। तो इधर मैंने प्लेट्स का रेक रखा हुआ है, और इधर साइड में मेरे कप्स रखे हुए हैं। पीछे मेरे जो कुकिंग मेजरमेंट कप होते हैं वो रखे हुए हैं, ऊपर वाला जो खाली हुआ हुआ है अभी, क्योंकि मेरा न्यू किचन है तो अभी तक ऐसा इसमें कोई फालतू का सामान मैंने अभी नहीं रखा हुआ है। और इधर मेरे ये दोनों स्पाइसेस बॉक्स हैं, मसाला बॉक्स। ऊपर वाला जो पार्शन है वो खाली हुआ है अभी। ये दोनों मेरे मसाले बॉक्स हैं, एक में मैं खड़े मसाले रखती हूँ और एक में पिसे हुए। और ये मेरे सौंफ का डिब्बा है, मैं सौंफ खाती हूँ। सौंफ जो मैं खाली पेट, और वैसे भी मैं दिन में 3-4 दफ़े खा लेती हूँ, क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है सौंफ। उसके बाद जी ये ओवन के ऊपर वाला देख लेते हैं, और इसमें मैंने सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जितनी भी मेरी इलेक्ट्रिक मशीन है वहाँ। और ऊपर वाली साइड में मैंने जितने भी मेरे कुकिंग से रिलेटेड हैं वो सामान रखा हुआ है, जो मेरे ओवन और माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं, तो वही मैंने रखे हुए हैं। और नीचे जितने भी मेरी मशीनरी वाला सामान है मैंने वही रखा हुआ है, जैसे कि मिक्सी वगैरह हो गई, एग पाउचर और ब्लेंडर वगैरह, टोस्टर, तो ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। और ये मेरी चिमनी है जी। ऊपर वाला जो है वो कोई भी बॉक्स वगैरह कुछ नहीं है। और इस साइड में मैंने जितने भी मेरे ग्लास के बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, वो मैंने रखे हुए हैं, जैसे कप, गिलास, प्लेटें, और जो मेरा कुकिंग में सामान यूज़ होने वाले मेरे बाउल्स वगैरह हैं वो मैंने रखे हुए हैं। और नीचे बिल्कुल कुकटॉप है, मैं एकदम ऊपर से लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखने में आपको ऊंचा लग रहा है, बट मेरा हाथ जो है आराम से चला जाता है। अभी नीचे वाली शेल्फ में आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा सिंक के नीचे वाला एरिया। इधर जो है एक साइड एक स्टूल सा बनाया हुआ है, उस पर मैंने सारे जो क्लीनिंग इक्विपमेंट होते हैं वो मैंने रखे हैं। और ये ग्लास बॉटल्स वाला जा रहा है, तो ऊपर वाला मैंने जो है आलू और प्याज के लिए रखा हुआ है, नीचे मैंने सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। और इस साइड वाली, ये वाली साइड भी देख लेते हैं। तो ये साइड जो भी मेरे बर्तन भगोने वगैरह जो भी होती हैं, नीचे मैंने ट्रे रखी हुई हैं, बिल्कुल सीधी सीधी ट्रे आ जाती हैं। ऊपर जितने भी मेरे फ्राइंग पैन और जो कुंडे वगैरह जो होते हैं वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। और ये वाली साइड देख लेते हैं, ये बिल्कुल कुकटॉप के नीचे वाली साइड है। इसमें मैंने सिलेंडर और मेरा दूध का जो डिब्बा होता है तो वो मैंने रखा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये वाली शेल्फ देख लेते हैं, ड्रॉर्स हैं ये। तो ये है मेरा कटलरी ड्रॉर, तो इसमें जितना भी मेरा जो चम्मच स्पून वगैरह जो भी होती हैं वही हैं। और ये मेरे मेजरमेंट कप हैं सारे, और ये स्पून रेस्ट हैं इसके नीचे, और ये चमचे वगैरह, चम्मच वगैरह सब इसी में ही रखी रहती हैं। और नीचे वाले जो साइड में मैंने कुकर और जो मेरे डेली बेस पे यूज़ होते हैं वो मैंने बर्तन रखे हुए हैं। और नीचे जो है मैंने कटोरियाँ वगैरह इस तरह के बर्तन रखे हुए हैं, डिश वगैरह, कटोरी, इस तरह का सामान रखा हुआ है। और इस वाली साइड में मैंने रखे हुए हैं जी मेरा जो आटा और चावल और तेल वगैरह जो होता है, बड़ा बड़ा जो जार होते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेज होते हैं, तो वो मैंने इस साइड में रखे हुए हैं। और इसमें कोई भी शेल्फ वगैरह नहीं डली हुई है, ये पूरा एक बॉक्स की तरह है, इसमें बड़ा बड़ा कुछ भी बॉक्स आ जाते हैं। और वो पीछे मैंने एक छोटा सा जो है जार रखा हुआ है, वाटर कूलर। और बस ये ऊपर की लाइटिंग है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।